मित्रों, आज हम आपके लिए एक स्मॉल ट्री जिसको समी के नाम से हम लोग जानते हैं और कहा यह जाता है कि यह नक्षत्र वाटिका का एक प्लांट है और इसको प्रोसोपिस सिनरेरिया के नाम से जानते हैं। यह मैमोसी कुल का है। इसके कंपाउंड लीव्स होते हैं और बाइपिनेट कंपाउंड लीव्स हैं। 7 से 12 लीफलेट पाए जाते हैं और इसकी जो पॉड होती है, पॉड के अंदर 10 से 15 सीड आते हैं। इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से आसानी से हो जाता है और इस प्लांट के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जिसमें से कुछ जैसे कि लेग्जेटिव है, पेट को साफ करता है, नर्वाइन टॉनिक है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके अंदर क्या पाया जाता होगा? इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स और कई प्रकार के मिनरल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। आज हम इसके औषधीय गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि योग सही योग क्या हो, कैसे इनको लिया जाए। इसका इस्तेमाल जैसे कि डायरिया में भी करते हैं, हिमोरहेजिक डिसीज़ होती है, ब्लड लॉस का होना, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके थॉर्न्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, थॉर्न कांटे इसमें होते हैं। और यह है कफ, अस्थमा, वर्टाइगो और हेयर लॉस करने में हेल्प करता है। जहां आप हेयर लॉस कराना चाहते हैं, बालों को रिमूव करना चाहते हैं, इसकी फली को हमें रगड़ना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें, कई बार दांत के काटने से या नाखून के कारण जो विष का असर शरीर के ऊपर आ जाता है, ऐसे केस में समी, नीम और वट तीनों की छाल का पाउडर बनाकर, महीन पाउडर बनाकर, उसको हमें सरसों के तेल में मिलाकर लेप करना चाहिए। प्रमेह या प्रदर की समस्या हो तो इसकी जो ये पत्तियां हैं, आप 10 ग्राम पत्तियां ले लीजिए और 2 ग्राम जीरे के साथ एक सार कर लीजिए और 1 गिलास दूध के साथ पीना चाहिए। डिस्यूरिया की समस्या हो तो हमें इन्हीं कोमल पत्तियों को लेकर जीरे के साथ मिलाकर और 200 ml दूध के साथ पीना चाहिए। मूत्र में धातु का आने की एक समस्या होती है, जो गर्म दवाएं खाने से कई बार हो जाता है, तो समी की कोमल पत्तियों को लेकर हमें इसमें इसका स्वरस बना लें और गाय के दूध में इसको उबाल लें और स्वाद अनुसार इसमें आप मिश्री मिला लें और इसको पीना चाहिए। कई बार अस्थि संधान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्टिलेज फट जाता है या हड्डी टूट जाती है, उस केस में इसके जो छाल होती है, छाल का महीन पाउडर कर लें और उसका डिकॉक्शन बना के पिलाएं और छाल की राख बना लें और उस राख में तिल का तेल मिलाकर इसकी पट्टी बनाकर उसमें बांध लेनी चाहिए। पाचन की अगर समस्या हो तो ताज़ा पत्तों का रस लेकर 2 से 3-4 इसमें मिलीलीटर हमें नींबू का रस मिला लें और स्वाद अनुसार इसमें सेंधा नमक मिला लें। खाने से पाचन की समस्या दूर होती है। कान में दर्द है या फिर सुनने में थोड़ी सी समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए? इसकी पत्तियों का सुरस बनाकर छान लें और कान में इसको डालना चाहिए। अगर नेत्र रोग की समस्या है तो इन्हीं कोमल पत्तियों का
सुरस बनाकर छानकर एक से दो ड्रॉप आँखों में डालनी चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्लांट हमारे लिए कितनी सुलभता से अपने औषधीय गुण हमको देता है, हमें स्वस्थ रखता है। पशुओं में भी यह जनरल बॉडी वीकनेस की समस्या हो जाती है या फिर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स अगर हैं तो उसकी कोमल पत्तियां और इसका छाल पाउडर बनाकर सरसों के तेल में मिलाकर पिलानी चाहिए। आसानी से पशुओं की समस्या भी निराकरण यह कर देता है और इस तरह से ये विशेष औषधीय गुण रखता है। आप सब इसका इस्तेमाल कीजिए। न केवल यह देवीय प्लांट है बल्कि ये औषधीय गुण भी रखता है। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ आपके संरक्षण के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने हेतु। धन्यवाद।